हेलो दोस्तों, एम के अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए वापस से एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एक नया वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों इसमें जो है हम आरपीएससी जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका एग्ज़ाम हुआ है जो अभी 2024 का, उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर दो सब्जेक्ट का आज मैं आपको उपस्थिति है जो बताने वाला हूँ, और उसके आधार पर आपको ये भी बताया जाएगा कि कुल कितना कॉम्पिटिशन उन दोनों सब्जेक्ट में रह गया है। तो दोस्तों मैं आपके लिए लगातार आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, और दोस्तों आपके लिए जल्द ही एक कट ऑफ का वीडियो लेकर के आया जाएगा। बस ये एग्ज़ाम जो थे इनका जो है वेट किया जा रहा था कि ये होते ही एक जो है सभी सब्जेक्ट का एक कट ऑफ का वीडियो लेके आया जाए, तो दोस्तों वो भी जल्द आएगा। इससे पहले दोस्तों आपको ये जो चैनल है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और दोस्तों सब्सक्राइब भी करना है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए यहाँ पर दो जो सब्जेक्ट लेकर के आया हूँ वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, एक तो है असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस का, और दोस्तों इसके अलावा जो है एक है फिलोसफी का। तो दोस्तों फिलोसफी का आप यहां पर देख सकते हो फिलोसफी, और इसकी कुल पोस्टें भी यहां पर बताई गई है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों ही नोटिफिकेशन जो है राजस्थान जो लोक सेवा आयोग अजमेर है उसकी वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। और दोस्तों ये जो है अखबार की कटिंग है, आप भी खुद इसको जो है अखबार से फ़ोटो खींच सकते हो, साथ ही इसका जो है आप ई पेपर डाउनलोड करके उससे भी निकाल सकते हो। दोस्तों यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम है वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी एंड पीटीआई भर्ती 2023 का है वो चल रहा है। अब इसमें दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हाल ही में यानी कि दो जो एग्ज़ाम हुए हैं, एक तो होम साइंस का और एक फिलोसफी का, तो उसमें क्या उपस्थिति यहाँ पर रही है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये सारी की सारी इस पर दी हुई है। लेकिन दोस्तों मैं इसका अलग से एनालिसिस जो है मैंने कर रखा है वो मैं आपको बता दूँ। इससे पहले दोस्तों ये वो कटिंग है जिसमें आपके जो कुल आवेदन भरे गए थे उसकी संख्या यहाँ पर दी हुई है। तो दोस्तों ये आवेदनों की संख्या है होम साइंस और फिलोसफी की। अब दोस्तों मैंने जो यहाँ पर अलग से एक पेपर बनाया वो मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि जो होम साइंस है उसमें टोटल 39 पद थे, और उसके लिए जो है यहाँ पर 2518 जो कैंडिडेट है उन्होंने फॉर्म भरा था, और बाद में 2308 ही फॉर्म यहाँ पर बचे थे। और दोस्तों इसमें जो उपस्थिति है वो 603 कैंडिडेट की रही है, यानी कि दोस्तों 2308 में से यहाँ पर 603 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है, और लगभग आप देखें तो 26.12% उपस्थिति रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो है एक पद के लिए लगभग 16 कैंडिडेट के बीच में कॉम्पिटिशन रहने वाला है। साथ ही दोस्तों जो फिलोसफी है उसके लिए यहाँ पर 11 पद थे, तो 631 लोगों ने फॉर्म भरा था और 605 लोगों का यहाँ पर जो फॉर्म है वो रहा था, बाकी 190 कैंडिडेट ने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है। 31.40% इसकी जो है उपस्थिति रही है। तो दोस्तों इसमें फिलोसफी में लगभग एक पद के लिए 18 कैंडिडेट ही यहाँ पर बचे हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग उपस्थिति जो है आपको यहाँ पर बताई जा रही है, और दोस्तों काफ़ी कम उपस्थिति यहाँ पर रह रही है। और दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ कि इंटरव्यू के लिए जितने भी सब्जेक्ट है ना उन सब का यहाँ पर जो कॉम्पिटिशन है वो कम रहने वाला है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इंटरव्यू के बाद में लगभग 30 से 40 या 50 नंबर तक जो कट ऑफ है वो बढ़ती है, ये आप एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों पिछली बार भी जो इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ आई थी उससे आगे यानी कि 50 नंबर तक कई सब्जेक्ट की जो कट ऑफ है वो हाई गई थी। तो एक चीज़ दोस्तों मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के लिए जो है इंटरव्यू के लिए जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम रहने वाला है। और दोस्तों इसके लिए मैं बता दूँ कि जिन सब्जेक्ट का यहाँ पर एनालिसिस नहीं करवाया गया यानी कि उपस्थिति आपको नहीं बताई गई है, उनका भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जल्द से जल्द उनकी जो उपस्थिति है वो भी बता दूँ। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें।